मोदी जी अच्छे हैं, महंगाई अच्छा है, जी भी ठीक है, सब ने एक्सेप्ट किया है मोदी जी ठीक है, लेकिन मोदी जी की जो महंगाई है ना वो ठीक नहीं है। तो मोदी जी के महंगाई को हराना है और हम लोग को कांग्रेस को प्याज ने खाया, मोदी को महंगा खाया। मोदी चोर है, चोर है, मोदी जी अच्छे नहीं, अच्छा है मोदी जी नहीं, अच्छा है मोदी अच्छे है, उनका महंगाई खिलाना है तो क्या करे, 30 के बच्चे का दूध पिलाए, 35 रुपया लीटर दूध था, 62 रुपया लीटर हो गया। नहीं बीजेपी कैसे बचेगी बताइए, बीजेपी कैसे बचेगी, क्यों वो अमृत पी के आए, क्या वो अमृत पी के आए, हम लोग क्या अमृत नहीं पिए हैं, हम लोग नहीं आ सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, बीजेपी बताइए मोदी क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए मैं ये कह रहा था, बहुत देर से मैं इंतजार में था, पूरे देश में सब कुछ ठीक है, GDP ठीक है, जो विदेश नीति है वो भी ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए ना पहले, मैडम आप क्वेश्चन करो आंसर देने दो ना, सब कुछ ठीक है, मोदी जी भी ठीक है, सब ने एक्सेप्ट किया है मोदी जी ठीक है, लेकिन मोदी जी की जो महंगाई है ना वो ठीक नहीं है। तो मोदी जी के महंगाई को हराना है और हम लोगों को पूरा वित्त मंत्री ने तो कहा महंगाई नहीं। देखिए जो 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 अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी ना, लोगों का सैलरी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ेगा, महंगाई के खिलाफ करना है, मोदी जी के खिलाफ करना नहीं है, महंगाई के खिलाफ करना है। मतलब मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, महंगाई अच्छा है, मोदी जी अच्छे हैं, महंगाई नहीं है। वो तो दुनिया कह रहे मोदी जी अच्छे हैं, हम क्या कह रहे मोदी जी खराब है, मोदी हर मोदी सब कोई बात नहीं है, मोदी जी के खिलाफ धरना नहीं है, धरना है उनके महंगाई के खिलाफ, जो गरीब के वर्ग के लिए नहीं सोच रहे, अमीर अमीर होते हैं। 5 किलो अनाज तो क्या करे, 20 के बच्चे को दूध पिलाए, 35 रुपया लीटर दूध था, 62 रुपया लीटर हो गया, बच्चे को आटा पिलाएंगे, 460 रुपया पहले सिलेंडर मिलता था, अब 1100 रुपया मिल रहा है, बच्चे को गैस मुंह में डाल दें, पहले 34 रुपया लीटर गैस CNG था, 70 रुपया हो गया, 34 रुपया लीटर था पहले CNG। मोदी चोर है, चोर है, चोर है, मोदी जी अच्छे नहीं, अच्छा है मोदी जी नहीं, अच्छा है मोदी अच्छे है, उनका महंगाई का खिलाफ है, मोदी का अच्छा है, महंगाई का खिलाफ है, सुनो सुनो, अगर मोदी करना पड़ेगा, अगर मोदी अच्छा रहता, अगर मोदी अच्छा रहता तो हम लोग के यहाँ पे क्या जरूरत है आने का, मोदी अच्छा रहता तो हमें क्या जरूरत है, अरे उनके तो अरे मैडम आदमी कोई खराब, आदमी कोई खराब नहीं, आप खराब है, हम खराब है, कोई नहीं, उनका सिस्टम जो खराब है ना, गरीब को गरीब बनाते, अगर मोदी अच्छा रहता तो हमें यहाँ पे क्या जलने के लिए आते, जलने के लिए आते हैं, मोदी अच्छा रहता तो महंगाई को कम करिए, इसलिए चले आए हैं, महंगाई किसने बढ़ाई है, मोदी ने बढ़ाई है, तो अच्छा कौन है ये बताने, अच्छा मोदी है, महंगाई बनाई है तो खराब है। देखिए मैडम देखिए, मोदी जी अगर सही रहते, सही अगर माइंड में चलते तो हम लोग के एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं था, जरूरत था नहीं था ना, तो मोदी गलत, मतलब आपको सिस्टम से दिक्कत है, सिस्टम उनका सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब अगर अब चुनाव हो तो फिर से बीजेपी आएगी, ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, अब सब होशियार है, काम नहीं करेंगे, आईपी का जमाना आ गया, काम नहीं करेंगे, वोट लीजिए, काम नहीं करेंगे, महंगाई आपको जनता ने वोट दिया, कांग्रेस को प्याज ने खाया, मोदी को महंगा खाएगा, मैं पंडित रेखा शर्मा नंगे पैर हूँ, नंगे पैर हूँ, देखो अलीगढ़ से आई हूँ, नंगे पैर कभी चप्पल नहीं पहनती हूँ, मोदी ने इतनी महंगाई बढ़ाई है कि जीना दुश्वार कर दिया है, वो कह रहे थे हम गरीबी हटाएंगे, उन्होंने तो गरीबों को ही मार दिया, वो गरीबों को मार दिया, वो गरीबी नहीं हटा रहे, मोदी जी अच्छे, लेकिन मोदी जी कहाँ से अच्छे हैं जब गरीबों को मार रहे हैं, आपको भी पता है कि जीना दुश्वार हो रहा है, आपको भी पता है, लेकिन आप नहीं बोलोगी, आपको भी पता है, ये तो मोदी ने तो जीना हराम कर दिया है, हाउ टैक्स इतना बढ़ा दिया, कहाँ से देंगे गरीब, गरीब कहाँ से देंगे, बिजली बढ़ इतना बढ़ा दिया कहाँ से, गैस इतनी बढ़ा दी, सिलेंडर 1200-1100 कर दिया, कांग्रेस के राज में 450 का सिलेंडर था, आपको भी पता है कांग्रेस ने पूरा राज जमाया, और मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं, बेचने का क्या कहोगे, मोदी जी चोर है, क्या कहेंगे मोदी जी, देश हित में गरीब मर जाए तो अकेले मोदी जी जिंदा रहेंगे क्या, और क्या करेंगे बिना प्रजा के, बिना प्रजा के नहीं, बिना प्रजा के मोदी जी क्या करेंगे, जिसकी प्रजा दुखी वो राजा कहाँ से सुखी हो सकता है, आप बताओ, आपकी प्रजा दुखी है, विश्व गुरु बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं विश्व गुरु, जिन वो विश्व गुरु वो बना रहे होंगे, जिनको मोदी जी दे रहे होंगे, भर भर के दे रहे होंगे, भर भर के दे रहे होंगे, जिनको दे रहे होंगे, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं तो हम मोदी जी को ऐसा कैसे बता सकते हैं, जब गरीब मर रहा है,
पाँच किलो नशे क्या खाते ना, किस किस का पेट भर जाएगा। पाँच किलो एक तरफ, पाँच किलो देकर चूतिया बना दिया, फ्री कर दिया, सिलेंडर दे दिया पाँच किलो ना, सिलेंडर वही सिलेंडर कर दिया 1100 का, वही सिलेंडर 1100 का कर दिया। गरीब तो मर जाएगा, वो कहाँ से खाएगा, आप बताओ कहाँ से खाएगा। महिला के तो बलात्कार हो रहे हैं रोज, आपको भी पता है, रोज अत्याचार हो रहा है, आपको नहीं पता। 15 अगस्त को देखा निदान के लिए तो भावुक हो गए थे, बता दीजिए भावुक क्या हो गए, वो तो ऐसा ही कर करके दिखाते, ड्रामा तो दिखाते, जादू पुड़िया छोड़ते दिमाग में से। मोदी जी दुनिया को चूतिया बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए गरीबों को मार दिया मोदी जी ने, कैसे जिए। हाउस टैक्स 1,00,000 रुपए आ रहा है, आप बताओ गरीब कैसे जिएगा, गरीब तो मर जाएगा। मोदी जी से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि ये महंगाई बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो, हम ये महंगाई पे हल्ला बोलने आए, महंगाई बिल्कुल हटा दो। और महंगाई क्या, हमारी तो कांग्रेस पार्टी आएगी, अब हार गए, ये तो सब देख देख के कितना अत्याचार मचा रखा है, अब तो हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे अब की बार। मतलब प्रधानमंत्री पद का दावेदार राहुल जी को मानती है? मानेंगे, क्योंकि वो गरीबी हटाते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। पप्पू राम कहते हैं राहुल गांधी को, कौन कहते हैं पप्पू राम, जो पप्पू खुद होंगे वो पप्पू कहते होंगे राहुल गांधी जी को, तो खुद पप्पू होंगे राहुल गांधी जी। तो कांग्रेस ने तो क्या से कुछ होता है क्या, आप मोदी को हम चोर कह देंगे, तो चोर तो है ही है, झोला तो भर ही रहा है ना हम लोग का, तो फकीर हूँ झोला उठा के चल दूंगी, ये तो झोला उठा के तो चल दिया, हम लोग तो खाली पड़ गए, हम तो खाली है। इतवार वाले दिन तो देखा आपने, ये थी महिलाएं जिनका महंगाई को लेकर क्या कहना था, और लगातार कई महिलाओं ने ये भी कहा है कि अगले प्रधानमंत्री पद का दावेदार राहुल गांधी को मानते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।